2019 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको याद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं। दरअसल अगर आपको वो मैच याद है तो मैच के बाद अपनी स्पीच के लिए वायरल हुआ वो पाकिस्तानी शख्स भी याद होगा जिसने कहा था, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये बात अब पाकिस्तान रूस के रिश्तों पर इन दिनों सटीक बैठती है क्योंकि अब हालात कुछ बदले बदले से पाकिस्तान और रूस के नजर आ रहे हैं। वैसे दो बातें किसी से छिपी नहीं है। पहली ये कि कंगाल मुल्क पाकिस्तान की आवाम आटे दाल के लिए जूझ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। दूसरी ये कि रूस भारत का बेस्ट फ्रेंड है। पाकिस्तान और रूस के बढ़ते संबंधों को लेकर आपके जहन में भी कई सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर क्यों रूस पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहा है जबकि भारत से रूस के रिश्ते सबसे अच्छे माने जाते रहे। इस वजह के पीछे है कूटनीतिक रिश्ते जो कई पहलुओं पर आश्रित है। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। देखा जाए तो हर देश अपने देश का हित चाहता है, उसको लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते से उसके हित सत्ते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि रूस ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे भारत को खतरा हो, मगर पाकिस्तान दिवालिया की कगार पर है। उसके सामने ऐसा वक्त आ गया है कि जैसे एक कहावत कही जाती है कि भाई जहर खाने को भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान ने रूस से कच्चा तेल खरीदा है, कच्चा तेल भी सस्ती कीमतों पर मिला है। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? रिश्ता जो भी कहलाए लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में हलचल जरूर मचा दी है। दरअसल पाकिस्तान ने पहली बार भारत के दोस्त रूस से कच्चा तेल मंगाया है। NBT में छपी खबर के मुताबिक 45,000 मीट्रिक टन तेल की खेप पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। अभी 50,000 मीट्रिक टन तेल की एक और शिपमेंट पाकिस्तान पहुंचने वाली है। रूसी तेल के पाकिस्तान पहुंचने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेहद खुश नजर आ रहे हैं और सरकार ने ऐलान किया है कि आगे आने वाले समय में भी रूसी तेल आता रहेगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इसकी कीमत चीनी मुद्रा में अदा की गई है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस रूसी तेल से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। तेल की ये खेप ऐसे समय में पाकिस्तान पहुंची है जब उसके देश में लोग महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान हैं। पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल की कीमत करीब 270 रुपये प्रति लीटर है। रूस से 1,00,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल की डील पाकिस्तान की हुई है। ऐसा नहीं कि भारत ने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदा। भारत और चीन पिछले काफ़ी समय से रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मई महीने में अपने कुल एक्सपोर्ट का 80% कच्चा तेल भारत और चीन को निर्यात किया है। भारत और चीन दोनों दुनिया के दो बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी हैं। एक समय भारत का रूस से ऑयल इंपोर्ट करीब जीरो था लेकिन अभी ये बढ़कर 20,00,000 बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। अमेरिका और यूरोप की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है। इस बीच पाकिस्तान की बेइज्जती तब हो गई जब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपनी आवाम में ये फैला दिया कि रूस विशेष छूट के साथ पाकिस्तान को कच्चा तेल निर्यात कर रहा है। लेकिन अब रूस के मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। यह एक बात आपको और बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों में किसी को भी रूस ने सस्ता तेल नहीं दिया है। हो चाहे जो कुछ भी, लेकिन पाकिस्तान और रूस अब एक दूसरे के साथ व्यापारिक सौदे कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेशनल फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च ने बताया कि रूस उनसे चावल भी अब खरीदेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान की 19 चावल कंपनियां रूस को चावल निर्यात कर सकती है। इस बीच ये भी खबर है कि पाकिस्तान हथियारों की खरीद को लेकर भी रूस से बात कर सकता है। वैसे
एक नज़र इतिहास पर यहाँ डालना जरूरी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि रूस और भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान से नहीं। फिर भी रूस पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बता दें 9 अगस्त 1971 को भारत रूस ने शांति और दोस्ती संधि साइन की थी। उन दिनों रूस सोवियत संघ का हिस्सा होता है। ये वही साल है जब भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया था। अलग बांग्लादेश वाली लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन भारत के खिलाफ थे, मगर रूस वो दोस्त था जो कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज वही देश पाकिस्तान से रिश्ता बना रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण रूस और यूक्रेन युद्ध। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन। तीसरा कारण चीन और रूस की घनिष्ठता। रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपना किरदार न्यूट्रल रखा है। हालांकि पीएम मोदी कई बार इस युद्ध को खत्म करने की इच्छा जताई है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या भारत यूएस संबंध से बेचैन है रूस, तो उसके जवाब के लिए ये जानकारी आपके लिए है। दरअसल ये पूरा मसला रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। जब भारत ने यूएन में वोटिंग के दौरान हिस्सा नहीं लिया, वहीं इसके उलट चीन ने खुलकर रूस का साथ दिया। वो तरह तरह से मदद करने का वादा कर रहा है। अमेरिका सहित यूरोप के कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। वैसे ये भी सच है कि अमेरिका और रूस की लड़ाई तो दशकों पुरानी है। अमेरिका और चीन के संबंधों में भी तनाव आ चुका है। रूस को यही सब रास नहीं आ रहा। रूस चाहता था कि भारत हमारा समर्थन करे, लेकिन भारत के सामने मजबूरी थी कि अगर वो समर्थन करता तो अमेरिका ब्रिटेन सहित यूरोप के कई देशों से उसके संबंध खराब हो जाते, इसलिए उसने खुद को बीच में रखा। भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार से तुलना करें तो पाकिस्तान रूस के बीच का व्यापार उसके आगे कुछ भी नहीं है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच भारत और रूस के बीच का व्यापार 8.1 अरब डॉलर का था। वैसे रूस और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों से भारत हमेशा से चिंतित रहा है, लेकिन रूस कई मौक़ों पर भारत को आश्वस्त करता नज़र आया है कि वो भारत के हितों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं करेगा। अब फिलहाल पाकिस्तान को तो रूस तेल सप्लाई कर रहा है, अब आगे और क्या कुछ व्यापारिक रिश्तों में सौदेबाजी होती है ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है अपनी राय को कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।